वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई नो। थोड़ा सा अभी इस साल में और बढ़िया बढ़िया वीडियोस और बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहूं। सबसे पहले, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा बट मैं अभी मिशिगन में रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अभी मैं ओहायो में नहीं रहता क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चालू है, बेसिकली कोऑप, और थोड़े और टाइम के लिए मैं मिशिगन में ही रहूँगा, फिर वापस से यूनिवर्सिटी जाऊँगा सेमेस्टर्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल शाम हो गई है इधर, और मेरा स्केटबोर्ड जो है वो आज आ गया है। काफ़ी टाइम से मैं रुका हुआ था, ऑर्डर किया था, बट बहुत टाइम लग रहा था आने को, ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज लग गए होंगे। पहले तो ओपन नहीं था, स्टॉक में नहीं था, और मुझे यही स्पेसिफिक स्केटबोर्ड चाहिए था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था, बट आज फाइनली आ गया है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको स्केटबोर्ड दिखाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, सो अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैकिंग करी है और काफ़ी ज़्यादा ही लाइक टेप लगाई हुई है। सो होपफुली अभी खुल जाइए। ओके, ऑलराइट गाइस, इट्स द मोमेंट। सो अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये जो स्केटबोर्ड है ये वाओ गो का है, न्यू ट्रैवलिंग वे पोर्टेबल एंड फन। ऑलराइट गाइस, काफी हैवी है। ऑलराइट, ओके, सो बेसिक स्केटबोर्ड यहाँ पर है, चलो मैं देख लेता हूँ वीडियो में सब आ रहा है या नहीं। सो अच्छा हुआ चेक कर लिया कि वीडियो में सब कुछ आ रहा है या नहीं, अभी आ रहा है। तो बेसिक स्केटबोर्ड यहाँ पर है, मैंने ऑरेंज कलर के व्यूज लिए थे क्योंकि मुझे ऑरेंज अच्छे लगते हैं, और एक्चुअली ये इन्होंने इसमें सेमिंग नया कलर लॉन्च किया है, बट पूरा ब्लैक, लाइक ब्लैक व्यूज और ये ब्लैक जो नीचे से है, बट मुझे पर्सनली लाइक ये थोड़ा सा फंकी वाइब थोड़ा अच्छा लगा था, लाइक ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऐसे अलग लगता है, इसलिए मैंने जो ओरिजिनल वाओ गो 3 का कलर है वही लिया था। बॉक्स में क्या आता है वो देखते हैं। तो पहले तो बेसिक एक चार्जिंग केबल दी है, एक रिमोट दिया है, दो एक्स्ट्रा उन्होंने जो व्हील्स है वो भी दिए है। काफी अच्छे से पैक किया है, मतलब कि अगर कोई गिरा भी दे इसे 4-5 बार तो कुछ होगा नहीं, ऑलरेडी व्हील नहीं निकल रहा अंदर से। 2000 years later. ऑलराइट, सो ये दो एक्स्ट्रा व्हील्स उन्होंने साथ में दिए है। मैनुअल दिए, कुछ स्टिकर्स दिए है, एक इसको शायद टी नट कहते हैं, वो टूल होता है, टी नट है, जिससे मैं जो मेरे स्केटबोर्ड के जो ट्रक्स है, जो ट्रक्स इन द सेंस ये होते हैं गाइस, ये जो है ये ट्रक्स है, तो इनको टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, या फिर जो टायर्स है उन्हें भी ओपन करने के लिए, जो व्हील्स है उनके सब टूल्स और एक्स्ट्रा कुछ नट्स दिए हैं उन्होंने। काफ़ी हवा चल रही है और चिली वेदर है आज, तो मुझे ठंड लग रही है शॉर्ट्स में, मुझे लग रहा है गर्म होगा आज थोड़ा वेदर, बट ठीक है। और ये रिमोट चार्जिंग केबल है आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि ये सी टाइप है, तो रिमोट को चार्ज करने के लिए। ये
ये एक वॉल माउंट भी है कि इससे आप इसको वॉल पे लगा दो और आपका जो स्केटबोर्ड है आप पे लग जाएगा, तो आप इसको दीवार पे आपका स्केटबोर्ड हैंग कर सकते हो, जैसे गिटार आप हैंग कर सकते हो वॉल पे, जैसे इसे मिले और वही, और वही वो वॉल में लगाने के लिए कुछ उन्होंने थोड़े स्क्रूज वगैरह दिए हैं। और अगेन ये वाला तो एलन कीज है, ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलन कीज, अलग अलग साइजेस की है, और ये काफ़ी अच्छा दिया कि ये हैंडी है, आप बैग में डालो और कैरी करो, क्योंकि एलन कीज जो होती है छोटी होती है और वो गुम सकती है, इतनी भी छोटी सी होती है, बट उन्होंने एक पूरा टूल दिया तीन के साथ, तो आप इसको डाल दो कोई पॉकेट में, साइड पॉकेट में, और आपके साथ कैरी करो, आपको कोई टेंशन नहीं, लाइक आपको इमीडिएटली मिल जाएगी कहाँ पर रखी है। उसके अलावा ये पैडिंग दी है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली किस चीज़ की है, ये आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है ये बैटरी के लिए हो, कि अगर बैटरी में जैसे अगर कभी कोई पानी चले जाता है, पडल हो या थोड़ी बारिश हो, थोड़ी सी बर्फ़ हो, अगर थोड़ा पानी चले जाता है और बैटरी इनकेस रिप्लेस करनी पड़ी, तो शायद आई एम नॉट श्योर तो उसके लिए ये हो सकता है कि अंदर से आप वापस एक लगा लो, बट आई एम नॉट श्योर इसके लिए। वैसे ही यहाँ पर भी दिया है, और प्लस काफ़ी बढ़िया चीज़ दी है, रिफ्लेक्टर दिया है अज्यूमिंग, ये रिफ्लेक्टर नो ये लाइट है ऑलरेडी, ओके ये लाइट है, तो बेसिकली अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए एक रेड लाइट स्केटबोर्ड के पीछे लगाने के लिए, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेफ्टी, उसके लिए दिया है ये। और इधर चार्जर है, बाकी इसके अंदर तो यही था, बाकी अभी इसको चलाते हैं, ट्राई करते कैसा है। ओके गाइस, तो स्केटबोर्ड इधर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, अभी बहुत ही हैवी है, मुझे इसका वेट एक्जैक्टली चेक करना होगा क्या है, बट मैं आपको बताता हूँ इसको कैरी कैसे करते हैं ताकि आपको इतना वेट उठाना ना पड़े। और सबसे पहले रिमोट को पेयर करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो पहले कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको स्केटबोर्ड की स्पेसिफिकेशन भी बताता हूँ, राइड पर भी जाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये रिमोट है, छोटा सा रिमोट है, आई एम नॉट श्योर ये फोकस है या नहीं है, ये फोकस है और ये, तो ये यहाँ पर रिमोट है, छोटा सा एक डिस्प्ले बटन है और इसके ऊपर एक स्क्रोल टाइप है जिससे आप आपका एक्सीलरेटर लाइक यू नो उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी हैंडी रिमोट है, लाइक आप इसको ऐसे लेके जाओ चलाकर, तो बहुत सही चीज़ है, बहुत लाइक मैट फिनिश है, बढ़िया है। तो इसको कनेक्ट करते हैं, पहले तो मैनुअल में लिखा है कि यहाँ पर एक बटन है, तो ये वाला जो बटन है इसको पहले ऑन करते हैं। ओ वाइब्रेट हो रहा है, आई थिंक सो शुरू हो गया, मुझे लाइक मोटर्स की आवाज़ तो आ रही है, तो इसके अंदर हब मोटर्स है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हब मोटर्स क्या होती है। और ऑलराइट, ओके तो चलो, हो गया गाइस, आई एम शो यू, पहले इधर दिखा देता हूँ, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले तो राइड पे जाके आते हैं और फिर मैं आपसे वापस मिलता हूँ। ओके गाइस तो फर्स्ट राइड हो चुकी है, हमारा स्केटबोर्ड इधर है और आप देख सकते हो कि जो ऑरेंज व्हील्स है वो लेना बेस्ट आइडिया नहीं थी, बट आई एम स्टिल हैप्पी, कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पीछे ब्राउन है, आगे से ब्लैक है और यहाँ पे आप देखोगे तो वाओगो का लोगो भी है। ऑलराइट, तो फर्स्ट इम्प्रेशन कि अगर आपको आपको स्केटबोर्ड के साथ एक्सपीरियंस है तो आपको ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, बिकॉज लाइक मुझे एक्सपीरियंस स्केटबोर्ड चलाने का, बट तो भी मैं इसमें दो बार ऑलरेडी गिरते गिरते बच चुका हूँ, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत क्विक है, और जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत अच्छी है, तो लाइक आप ब्रेक लगाते हो लाइक इनर्शिया की वजह से आप गिर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। तो अगर आपको स्केटबोर्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड्स आर नॉट दी फर्स्ट टू गो, तो आपको पहले हमेशा लाइक यू नो विदाउट रिमोट इसको चलाना सीखना चाहिए, लाइक आप इसको बिना रिमोट के, सो इफ मेरी अगर बैटरी डाई हो जाती है मैं किधर जा रहा हूँ तो भी मैं इसको चला सकता हूँ लाइक यू नो, तो वो एक चीज़ है। प्लस ये स्केटबोर्ड बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसको जो कैरी करने का तरीका है, मैं इधर से इसको होल्ड करता हूँ और जो व्हील्स है आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं, बट इसको ऐसे लेके जा सकता हूँ, तो मैं इसको नीचे वाले जो दो व्हील्स है उसके ऊपर रोल करके किधर भी कैरी कर सकता हूँ, तो इट डजेंट मेक इट हैवी एनी मोर, तो वो एक चीज़ है। इसके अंदर जो ESC है, ESC होती है कि जो आपकी मोटर का जो स्पीड कंट्रोलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, वो अपग्रेडेड हॉबी विंग है जो काफ़ी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू और एक ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर उसका नाम क्या है, बट शायद से ली यांग या फिर यांग ली उसका नाम है, वो अलग ESC का, बट हॉबी विंग जो है बहुत फेमस है DIY स्केटबोर्ड एंथूसियास्ट्स में, तो वो एक है। इसके अंदर जो मोटर्स है
ये वाली यहाँ पर जो मोटर्स है ये दो, तो ये दोनों ब्रशलेस मोटर्स है जिनको हब मोटर्स भी कहते हैं। तो ये वाली मोटर्स आपको ड्रोन में देखने को मिलेगी। और एक टाइप का स्केटबोर्ड आता है जिसमें ड्राइव ट्रेन होती है, बेसिकली एक बेल्ट होती है और जो मोटर्स है मोटर्स इधर किधर लगी होती है और जो व्हील्स है उसको ड्राइव ट्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो फ़र्क क्या पड़ता है, हब मोटर्स नॉइज़ लाइक बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, बहुत कम लाइक नेग्लिजिबल आवाज़ होती है, तो जब आप राइड कर रहे हो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, बट जो ड्राइव ट्रेन होती है उसका टॉर्क बहुत अच्छा होता है। सो अगर आपका स्केटबोर्ड पे लाइक कोई एकदम हैवी बंदा है, लाइक मेरे पास कुछ वेट है, मेरे पास बैग है और लाइक यू नो, तो भी वो कैरी कर पाएगा क्योंकि इसमें टॉर्क बढ़िया है। फॉर एग्जांपल आपको कोई हाइट पे ऐसे स्लोप पर जाना है ऊपर की तरफ, तो आप जा सकते हो काफ़ी स्मूथली, उसमें ज़्यादा पावर होगी। बट वही हब मोटर में नहीं होती, बट स्टिल ये 550 वॉट्स की दो हब मोटर्स है तो काफ़ी अच्छा टॉर्क देने वाली है। इसकी टॉप स्पीड 39 किलोमीटर पर आवर है और स्लोएस्ट स्पीड आई एम अज्यूमिंग 10 किलोमीटर पर आवर है इफ आई एम राइट। तो ये इसके कुछ बेसिक लाइक स्पेक्स है। इसके अलावा ये जो डेक मैंने आपको बताई है ये फ्लेक्सिबल डेक है कनेडियन मेपल की, मैं इसके ऊपर आपको जंप करके दिखाता हूँ। ये आप इस पर जंप करो कुछ नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट जो फ्लेक्सिबल टाइप है उसके साथ उसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। अभी फिलहाल बाहर थोड़ी बारिश भी हो रही है, शुरू होने वाली है बारिश होना, काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी। टेम्परेचर कितना मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ और बाकी की बातें सब अंदर करते हैं। ऑल राइट, सो गाइस बेसिकली जो फ्लेक्सिबल डेक है उसका फ़ायदा ये है कि लाइक आप बम्पी रोड्स पे आराम से जा सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्लेक्सिबल डेक है वो ऐसा शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। बट वहीं पर जब वो शॉक्स एब्जॉर्ब करेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा लेकिन मूवमेंट करोगे, लाइक हिलोगे थोड़ा सा, तो उसकी वजह से होता है क्या कि आपका जो स्केटबोर्ड है लाइक वो आप टर्न लेकिन टर्न हो सकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। फ्लेक्सिबल डेक और जो इसकी ट्रक्स है जो एक तरीके से उन्होंने बनाई है वो कार्विंग के लिए यूज़ होती है। अगर आपको कार्विंग पता होगा तो लाइक वो ऐसे लेफ्ट राइट लाइक ऐसे मज़े के लिए जो स्केटबोर्ड चलाते हैं जाते हैं, तो आप अगर गूगल करोगे यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे कार्विंग क्या है तो आपको पता चलेगा। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने जब चलाया तो मेरे को इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ट्रक्स वगैरह टाइट करने पड़ेंगे ताकि लाइक मैं शेक होके लेफ्ट राइट ना जाऊँ, तो पहले वो सब सेट करना पड़ेगा, थोड़ा दो तीन बार चलाना पड़ेगा और फिर मैं आपको राइड वीडियो भी दिखाऊंगा। प्रोबेबली अभी मैं फुल पैंट्स पहन के वापस जाऊंगा बाहर अगर बारिश वगैरह नहीं होगी तो, बट ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी मैं राइड की वीडियो आपको दिखा सकूं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैं वापस एक बार बाहर आया हूँ, 7 degrees है बाहर, ठंड है थोड़ी सी, बारिश वगैरह भी गिरने वाली है अभी थोड़ी देर में और हवा चल रही है। यूजुअली 7 degrees में मैनेजेबल होता है, बट आप देखो कि कैसे फॉग आ गया था मेरी स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम। बट एक छोटी सी राइड पे जाता हूँ, मैंने ट्रक्स वगैरह थोड़े टाइट कर लिए स्केटबोर्ड के और जाते हैं, और बाकी जो पूरा राइड है मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।